और गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ शेयर करिए अपने फैमिली एंड पेरेंट्स। हाय गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। ये देखो ऐसे थोड़ा नीचे को दबाते हैं ना, मतलब हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिट्टू राणा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस होप गाइस आप सब लोग बढ़िया हो गए और मैं भी। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं अपने घर से स्टार्ट नहीं कर सका क्योंकि हमें बहुत लेट हो चुका था। अचानक से प्लान बना कहीं जाने का, तो आज हम क्यूट गर्ल के घर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं ये हल्द्वानी के स्टेडियम, और यहाँ पे पता नहीं कब मैच होगा और कब हमारा सपना पूरा होगा इस स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने का। तो गाइस फाइनली हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम स्कूटी लेंगे और फिर गल बैठेंगे पीछे, अभी स्कूटी हम चलाएंगे। अभी आने वाला है रेलवे क्रॉसिंग हल्द्वानी का। हाँ यहीं पर रोक लो, अब यहाँ से हम चलाते हैं स्कूटी। हम ये पहुँच चुके हैं रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ से क्रॉस करके रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे हल्द्वानी मार्केट में। और गाइस ये आप देख सकते हो हमारी होंडा ग्राजिया में पेट्रोल भी कम है, तो आप पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा। अब आ गया है भुट्टे की दुकान और हम खाएंगे यहाँ पर भुट्टा है या नहीं, भुट्टा है शायद ना, हमारा भुट्टा खाने का मन है, आज हम भुट्टा खाएंगे। पर यहाँ पर तो भुट्टा ही नहीं है, उल्लू बनाया हमें तो होते हैं जो हाँ हमें लगा होंगे यार यहाँ पर तो होते थे ना पहले, पर है नहीं यहाँ पर भुट्टा। तो गाइस हमारा मुझे फट गया है, मतलब हमें भुट्टा खाने को नहीं मिला। जय ठंडा ठंडा कैलो कैलो पानी, ठंडो ठंडो कैलो कैलो पानी नहीं पिएंगे, ठंडो ठंडो कैलो कैलो पानी। कैलो मतलब क्या होता है? कैलो मतलब क्या होता है? I don't know. नहीं पता। कैलो नहीं पता। कैलो कैलो मतलब शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। ओके। तो गाइस मौसम देखिए, हमारे यहाँ गर्मी है और उस वाले पहाड़ में, वो सीत वाले पहाड़ में एकदम बादल हो रखे हैं। तो गाइस हम पहुँच गए भीमताल, और भीमताल से अब हम जाएंगे नौकुचिया ताल। ये हम आ गए भीमताल और मौसम बहुत ही मतलब मस्त है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ पर तो आकर वैसे भी ठंडा लगता है क्योंकि यहाँ पर झील है, झील के किनारे तो वैसे ही ठंडा लगता है। देखिए और मछली कितनी बड़ी बड़ी है यार इसमें। उस दिन तो हम आए थे तो शाम को यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो गया था, बिल्कुल बारिश वाला, फिर हम दिखाई नहीं पाए क्योंकि हमें तो जाना था घर क्योंकि देर हो जाती है फिर और हम भीग भी जाते, तभी हमने नहीं दिखाया। पर ये देखो भीमताल की मार्केट, यहाँ को जाएंगे नौकुचिया ताल। एक बार हम जा चुके हैं नौकुचिया ताल, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत। हाँ उस टाइम हम ब्लॉग भी शूट करते थे, नहीं तो हम दिखाते आपको उसका भी ब्लॉग हम बनाते, पर इस बार दिखा देंगे आपको कोई नहीं, इस बार नौकुचिया ताल का ही ब्लॉग है। तो गाइस बने रहना और देखते रहो नौकुचिया ताल। ये देखो तो गाइस ये देखो मंदिर आ गया है, ये देखो मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नौकुचिया ताल। तो गाइस चेक करो हम कहां पहुंच गए हैं, ये रहा नौकुचिया ताल, चेक कर सकते हो गाइस नौकुचिया ताल। और ये रहे हम, ये रही हमारी क्यूट गर्ल।
तो गाइस बड़ा ही मस्त नज़ारा है यहाँ पे, बड़ा ही मस्त व्यू है, चेक कर सकते हो गाइस, ये चेक करें व्यू नौकुचिया ताल का। कैसा लग रहा है मैडम नौकुचिया ताल में आके? हैं तो गाइस मौसम बहुत मस्त है और हवा भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। यहाँ पे बड़ा ही मस्त मौसम है, यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पे बैठे रहे हैं, और क्यूट गर्ल का भी मन नहीं हो रहा है बैठने का, उठने का सॉरी कभी कभी गलत निकल जाता है, तो क्यूट गर्ल का भी मन नहीं हो रहा है यहाँ से उठने का, और मेरा भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पे बैठे रहे हैं। तो गाइस इस लोकेशन से अब हम नेक्स्ट लोकेशन में चल रहे हैं, आगे चलते हैं, एक और ताल दिखाते हैं आपको, एक ताल यहाँ पे था, एक ये है, और आगे दिखाते हैं। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमने अगले साल आए थे, तो हमने शूटिंग देखी थी वहाँ, हम वहीं जा रहे हैं, नौकुचिया ताल के एंड में जा रहे हैं, नौकुचिया ताल के एंड में। तो गाइस बिट्टू जी मजे लेंगे यहाँ पर, नौकुचिया ताल के एंड में पहुँच गए हैं। वो देखो है तो रास्ता यार, तुम फंसते हो कि नहीं है? नहीं है वो है तो गाइस, ये ले, इनका मन नहीं है ले जाने का मुझे। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं नौकुचिया ताल के एंड में, यहाँ इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। तो गाइस इस गेट से अंदर चलते हैं, हमें पता नहीं क्या है, क्या है अंकल अंदर? कुछ भी जैसे घूम सकते हैं। अच्छा मैंने कहा मंदिर वगैरह नहीं। तो गाइस इस रास्ते में हम नहीं आए थे, पिछली बार आए थे, तो अब हम जा रहे हैं, और क्यूट गर्ल को भी यहाँ पे देखना था कि इस साइड में है क्या, मेरा भी था इस साइड में है क्या, आखिर हम है तो है क्या, तो दूसरी बार आए हैं और हम पहले कभी नहीं गए इस साइड को, तो आज चल रहे हैं गाइस, देखते हैं इधर क्या है। हमको लग रहा है कि लास्ट पॉइंट में एक मंदिर सा है, पर देखते हैं आगे क्या है। मंदिर नहीं, होटल क्या हो सकता है बताइए मैडम? होटल, होटल हो सकता है। चलो देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पे होम स्टे है गाइस, हम सोच रहे थे कि मंदिर है। तो गाइस नौकुचिया ताल के लास्ट पॉइंट से हम यहाँ से चल रहे हैं, अब आगे जाके रुकेंगे, इधर सुकून मिलता है। तो गाइस ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कमल ताल के किनारे पे एक ये पार्क जैसा बना हुआ है, ये चेक कर सकते हो गाइस, ये पार्क बना हुआ है कमल ताल के किनारे, और ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मस्त आराम कर रहे हैं थोड़ा, और ये क्यूट गर्ल जा रही है झूला झूलने पार्क में बच्चों के साथ, हम भी चलते हैं गाइस। क्यूट गर्ल और मैं यहाँ पे पार्क में थोड़ी मस्ती करते हुए देख रहे हो गाइस, ये क्यूट गर्ल की शरारतें ऐसे करती है, और यहाँ पे ये बच्चे मौज मस्ती करते हैं। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? बिस्किट खा रहे हैं। मेरा नाम है मीत। क्या नाम है? मीत। मीत कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो, और आप कहाँ से हो भाई? मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ। ऊपर रहते हो? तो गाइस ये बच्चा यहीं का लोकल का है, और आप कहाँ के हो? आप भी यहीं रहते हो? फिर आप कहाँ से आए हो? किसके साथ आए हो आप? किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ। किधर है मम्मा? अच्छा उधर बैठी हुई है। हेलो गाइस। हेलो गाइस कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हाँ। आज छुट्टी है, छुट्टियाँ पड़ गई हैं अब तो। हाँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े लेते हो यहीं पे, पूरा दिन यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा यहीं पास में है घर? हाँ यूट्यूब में डालेंगे। तुम YouTube में आने वाले हो, ठीक है? देखोगे? हाँ। देखते हो ब्लॉग? तो बिट्टू राणा ब्लॉग्स में देखना, ठीक है? देखो गाइस चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है बिट्टू राणा ब्लॉग्स, देखना ठीक है? घर जाके आप सब लोग आओगे ब्लॉग में। आपका नाम, आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है बिट्टू राणा ब्लॉग्स। हाँ जी गाइस लाइक करना, लाइक। हाँ और गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरे के साथ शेयर करें अपने फैमिली एंड जो अपने फ्रेंड्स के साथ है उनके साथ शेयर करें। तो गाइस हमारी नाते तो इन बच्चों की बातें जरूर मान लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मैं सेवंथ क्लास में पढ़ रहा हूँ, सेवंथ क्लास में अभी पढ़ रहा हूँ और डांस कर रहा हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, अब हम पूछते हैं। मेरा नाम विशाल है, मैं नर्मदा धारा रहता हूँ और हाँ मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ और मैं क्लास एट में पढ़ता हूँ और मैं 13 साल का हूँ। इंटरव्यू सोशल मीडिया में माय वायरल हो गई। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब। ये तो वो ये अंकल का कैमरा है। ये भैया का, भैया या अंकल? ये भैया का कैमरा है। और यही मैं जी थोड़ा दूर से ना, दूर से यहाँ एक बहुत ही झूला झूला जा रहा है। ये देख रहे थे नेशनल प्लेयर है, खेल के आई हूँ नेशनल। हाय गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, मरेंगे यार किसके। ये देखो ये पागल हो रही है, वो तो नीचे गिर गई। तो ठीक है गाइस, हम चलते हैं। ठीक है, फिर कब मिलोगे? कल आना। कल तो नहीं आएंगे, हमारा घर बहुत दूर है, अब बाद में आएंगे, अगली साल आएंगे। नानक मत्ता देखा है? नहीं देखा है? हाँ। देखा है वो, देखो आपकी दीदी ने देखा। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं। हाँ यूट्यूब में आना, आप देखना, आप आओगे यूट्यूब में। ठीक है गाइस, हम नौकुचिया ताल से अब आ चुके हैं भीमताल में। तो गाइस ये चेक करें भीमताल का नज़ारा, और अभी हमने लिया है कुरकुरे और बटर स्कॉच कॉर्नेटो। तो गाइस सब क्यूट गर्ल खा रही हैं बटर स्कॉच कॉर्नेटो और हम खा रहे हैं ये कुरकुरे, और थोड़ा सा हम भी इनका बटर स्कॉच छीन लेंगे फिर उसके बाद हम खाएंगे। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, ज़रा थोड़ा सा बटर स्कॉच और कुरकुरे का आनंद ले। ये देखो क्यूट गर्ल कैसे खाती है चाट चाट के। गाइस आप भी बताएं आपको भीमताल में कैसा लगता है? हमें तो बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है बिल्कुल। दो ही लोग आ जाते हैं बस सुकून के पल कुछ यहाँ पे ढूंढने, बड़ा ही मस्त लगता है। गाइस आप भी बताइए आपको कैसा लगता है भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और नैनीताल में आके कैसा लगता है, कमेंट करके बताएं। और गाइस हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये हम भीमताल के लेक के किनारे खड़े हुए हैं, बड़ा ही मस्त मौसम हो गया है। और गाइस यहाँ पे देखो नौका विहार हो रहा है भीमताल की लेक में। और गाइस ये रहा आपका एक्वेरियम कैफे, एक दिन इसमें भी जाना है हमको, अब पता नहीं वो दिन कब आएगा पर जाना है इसमें। गाइस ये रहा कुछ भीमताल का व्यू, चेक कर सकते हो यहाँ का व्यू, चेक करें गाइस यहाँ का क्राउड, चेक करें काफ़ी क्राउड हो रहा है गाइस। तो गाइस हमें जो नौकुचिया ताल में भैया मिले थे वो हमें फिर से मिल गए। ये देखो गाइस ये हमारे पीछे पीछे आ गए।
पहले हम आए ना, फिर आप आए। तो गाइस ये हमें मिले थे नौकुचिया ताल में, अब ये भीमताल में भी मिल चुके हैं। उस होटल में रुके हैं। तो आपका नाम क्या था? मीत। तो गाइस ये मीत है और ये उस होटल में रुके हुए हैं। दिखाते हैं आपको, जूम करके दिखाते हैं। ब्राउन कलर की छत वाला होटल रहा ये मीत का, ये वहीं पे स्टे किया है इन लोगों ने। मेरे पापा का आज बर्थडे भी है और मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। अच्छा, इनके मम्मी पापा का बर्थडे है ना? पापा का बर्थडे भी है और मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो वैसे इनकी पापा का बर्थडे है और मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। इनके पापा के बर्थडे के दिन इनके मम्मी पापा की शादी हुई थी। चले मैडम, इनका तो जाने का मन ही नहीं हो रहा है गाइस, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ से, भीमताल को बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी एंड हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, मीट मिलते हैं। बाय बाय। हाँ हाँ, आप आओगे जरूर। तो हम जा रहे हैं अब घर, भीमताल को कर दिया है बाय बाय। आप मिलते हैं कहाँ? हल्द्वानी। आप सीधे मिलते हैं आपको हल्द्वानी। चलो ठीक है, आप इसके लिए बाय। गाइस ये हम भीमताल से अब पहुँच चुके हैं बलिया नाला। गाइस ये रहा बलिया नाला। अरे गाना, अंकल जी का गाना बड़ा हिम्मत। तो गाइस यहाँ ये रहा बलिया नाला का पुल और यहाँ पे लोग अपनी रील शूट करते हैं। गाइस बड़ा ही मस्त नज़ारा है। तो गाइस ये देखो हल्द्वानी की मार्केट, चेक आउट दिस गाइस। ये देखो गाइस हल्द्वानी की मार्केट, एलन सोली फॉरएवर 21 स्केटर्स, ये एडिडास देख रहे हो गाइस। ये देखो गाइस हम इतनी धीरे धीरे जा रहे हैं कि हमसे आगे साइकिल वाले निकल जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है।